इस वक्त ईरान और इसराइल दो कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज की है। बंकर बस्टर से लेकर हर तरह का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है। लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हथियार ले, कोई भी उसकी ढाल बने। ईरान नसरल्ला से लेकर हानिया सबका बदला अकेले अपने दम पर ले सकता है। अब सब कुछ नेतन्याहू के वॉर रूम पर निर्भर करता है। वो क्या फैसले लेंगे? क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? क्योंकि इसराइल के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चार मैदान है जहां युद्ध एक्टिव मोड में चल रहा है। पहला फ्रंट गाजा है, जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है। तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इसराइल हूती के अड्डों पर बमबारी कर चुका है। अब चौथा फ्रंट इराक बन सकता है, क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया गुट हशद अल शाबी भी एक्टिव हो गया है। जब ईरान की मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी, तभी यमन में भी हूती अपनी कुद्स 5 मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे। ان القوات المسلحه اليمنيه تبارك عمليه الوعد الصادق الايرانيه الثانيه ضد العدو الاسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركه في اي عمليات عسكريه مشتركه ضد العدو الاسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على اي عدوان اسرائيلي يطال جبهات الاسناد। मोर्चे बढ़ने से इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। 1 अक्टूबर की रात ईरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका को भी खतरा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon, and it took almost a month to get ceasefire and end of the aggression on both sides. So I think it's going to take a long time, particularly that ground invasion will involve element of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare. 2006 में हिजबुल्ला इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने अपने दम पर इसराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकअप चाहता है। नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं। इसे आप नेतन्याहू का ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक। सवाल ये भी है कि क्या इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध को इतनी आसानी से जीत सकता है, जबकि इससे पहले वो दो बार फेल हो चुका है। Israel is triumphant with the success of its assassination of Nasrallah and the entirety of the senior leadership of Hezbollah. So I think that has given it impetus to carry on with what it thinks could be the elimination of Hezbollah, which is almost impossible. ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अब इसराइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाव में है। वो इसराइल के आसपास अड्डों पर फौज और फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। लेकिन हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई बॉर्डर पर हो रही है, और वहां इसराइल को कामयाबी के लिए कुछ नया सोचना होगा, क्योंकि अब हमला चारों तरफ से हो रहा है और इसराइल के पास अमेरिका की गारंटी सबसे बड़ी ताकत बची है।